तो सबसे पहले तो आपने सर्कुलेशन जो चैप्टर करना है आप चैप्टर ये जो भी पढ़ाने लगे आप चैप्टर ये करना है आप लोगों तो ने ठीक है शौक वाला क्योंकि सर्कुलेशन में वायबा भी यही सुना जाता है शौक ही सुने जाएंगे आप लोगों को तो शौक और रिफ्लेक्सेस ठीक है शौक पढ़ा रहा हूँ कल रिफ्लेक्स ठीक है और आपको लेक्चर ग्रेण तक हर बच्चे को ना शौक याद होगा और हर ठीक है बात समझ आ रही है मेरी ठीक है और भी आप लोगों को कल लेक्चर के बाद बात होंगे और इनशा फिर बोलेंगे नहीं जब मैं एक दफा लेक्चर अपना अटेंड कर दूंगा ना तो आप लोगों को शौक उस बात कभी नहीं बोलेंगे ठीक है अच्छा तो सबसे पहले शौक और रिफ्लैक्स करने हैं और बारह ग्यारह बारह नंबर का पेपर आता है तो मैं टोटल बाईस बाईस तेईस नंबर का पेपर आना होता है ना तो हाफ हार्ड से आता है हाफ तो आप लोगों ने ये दो टॉपिक्स चैप्टर ये दो चैप्टर हर से करने हैं और कंप्लीट चैप्टर आप लोगों ने करने हैं ठीक है और ये मंगाइट करो ठीक हो गया जब ये दो लोग कर लेंगे ना तो आप लोग तसली रखें कि आप लोग सेवनटी परसेंट सर्कुलेशन आती है सेवनटी परसेंट मतलब ये कि ज्यादा चांस यही है कि आप लोगों का यू क्यू भी अटेम्प्ट हो जाएगा आप लोगों के एम सी क्यूज भी जो है ना मतलब यू क्यू पाँच नंबर का ना छः सात जो एम सी क्यूज आने हैं उनमें से भी आपके समझ लो के एक दो तीन वो अटेम्प्ट हो जाएंगे ठीक है और उसके बाद फिर ये है कि आपका तो मस्ट हो गया वायबा आपका क्लियर है क्योंकि सर्कुलेशन में से जो वायबा होना है उसमें उन्होंने पूछना ही शौक और रिफ्लेक्स है ठीक है आप अपने पास तो के क्वेश्चन उठा के देख लें और रिफ्लेक्स ही पेपर में आया होगा ठीक अच्छा लेकिन अब ये तो नहीं है कि आपने ये दो करने हैं ठीक है ये तो नहीं ना ये बात मैं कर रहा हूँ तो ये बता रहा हूँ कि सेवनटी परसेंट ये मेन है ठीक है अब मैं आपको और बताता हूँ

फिर इसके अलावा टॉपिक है एनजीओ टेंशन वाला ठीक है वो आप लोगों ने गाइडन से करना है ठीक है वो पे आता है तो इसके तो इसके अलावा ये है कि आप लोग जो है ना चैप्टर ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी टू भी गाइटन से कर लें ठीक है कार्डिक फेलियर वाला और चैप्टर ट्वेंटी थ्री भी आप लोगों गाइडन से ही करें ठीक है ट्वेंटी टू जो है वो कार्डिक फेलियर और ट्वेंटी थ्री वाला जो है वो कौन सा है? वो सारे हार्ट साउंड और ये वो ठीक है तो ये चार चैप्टर गाइडेंस से करके क्योंकि पास पेपर के क्वेश्चन उठाए ना तो यही टॉपिक्स लगे हुए हैं यही चार चैप्टर लगे हुए हैं ठीक है इन्हीं के क्वेश्चन आए हुए हैं तो और बाकी ये है कि इसके अलावा जो ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है वो एन जी ओ टेंशन और स्टार वगैरह वाला क्योंकि वो ठीक है तो ये मतलब बल्क है आपका नाइनटी परसेंट ये है सर्कुलेशन बाकी इसके अलावा जो है ना जो बाकी अब टॉपिक्स हैं आप क्योंकि जब ये चार चैप्टर और ये टॉपिक्स आप गाइडेंस से कर लेंगे ना ठीक है तो आपको जो मैंने नोट्स सेंड किए ना नोट्स वो आप लोग देखेंगे तो उसका उसका भी बहुत सा हिस्सा कवर हो गया होगा और आप लोगों का के यूक्यूज भी और एम -सी भी समझ आप बिल्कुल सेफ जोन अब आपका वहां से कुछ भी मिस नहीं होने लगा ठीक है लेकिन ये है कि अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं ना उसका उसके लिए अब फिर क्या हल है चलो ये तो आपने सर बता दिया कि चार चैप्टर कर लेने हैं और ये एक दो टॉपिक्स हैं इसके अलावा भी कोई अगर मोस्ट पास ओवर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया है तो वो भी गाइडेंस से कर लेना है ठीक है तो इस तरह से आपका नाइन्टी परसेंट जो तो खबर हो गया अब सवाल आ गया पिछले दस परसेंट का उसका तरीका क्या है उसका एक तरीका तो ये है अब मैं उसका तरीका बता रहा हूँ तो बाकी का क्या करना है ये तो क्लियर हो गया कि ये यहाँ से करना है बस इसमें कोई दो राय नहीं हम ठीक है अब बाकी दस परसेंट की बात कर लेते हैं भाई शायद कहीं वा... मतलब वहां से भी तो आ ही सकता है ना आने को तो फिर वो पेपर मुश्किल बनाने को तो फिर वो कुछ भी कर सकता है लेकिन आएगा यहीं से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका यूट्यूब यहीं से आएगा वाह वाह वाहवा सब कुछ आपका ढन है ये चार चैप्टर ठीक है और बाकी क्या बता रहा हूँ बाकी, और और तो है, है? बाकी जो दस परसेंट है उसका आपने ये कर लेना है कि एक हल उसका ये है कि जो मैंने आपको नोट सेंड किए हैं वहां से वो टॉपिक्स पढ़ लेने क्योंकि अलावा इन, इन ठीक है जो तो बाकी वहाँ पे जो चैप्टर्स का जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो पढ़ लेना वो आपका हार्डली दस बारह दस बारह पंद्रह पेज बनेंगे बस क्योंकि बाकी सब कुछ तो चैप्टर में कवर हो गया होगा ना ठीक है तो बाकी जो कुछ बैप्ट पढ़ेगा वो आप नोट से पढ़ लोगे नोट्स क्यों कह रहा हूँ वो नोट्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहली बात तो ये है वो पंजाब के वर्दिय प्रोफेसर में से एक, एक के लिखे हुए मतलब सर साहिब उनका एक नाम है नंबर दो और उन्होंने मतलब वो इस तरह से लिखी

जो आपने नोट से पढ़ा है जब आप गर्टन खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा अच्छा, अच्छा। से ये उठाई है अच्छा सर ने यहाँ से भी पता चल जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है मतलब आपको आपकी गायटन ही तैयार हो जाएगी ठीक है बस ये है कि उस गाइटन में सेलेक्टिव से सिलेक्टिव तैयार हो जाएगा बजाय ये कि किसी उस उससे पूछो या प्लान से पूछो या प्लान से पूछो और मैं एक और बात बता रहा हूँ अल्लाह का वास्ता फिर दोस्त ना उठाना ठीक है अल्लाह का वास्ता दे के कह रहा हूं। जिस बच्चे ने फिर दोस्त उठाई उसका मेरे से कोई नाता ही नहीं ठीक है मैं उसको नहीं जानता वो मुझे नहीं जानता ठीक है वो अपना जिम्मेदार खुद है सिर्फ उसने बेटा गर्क करना है तो वो खोले ठीक है तो उधर नहीं जाना ठीक है हाँ अलबत्ता मेडिकल ग्लोब के पास को जरूर देखना ठीक है उसमें जब आप वो उठा चार चैप्टर करने के बाद आपको पता चलेगा आपने ऑलमोस्ट सारे यूक्यू कर लिए सिर्फ चंद रिमेनिंग यूक्यूज हैं जो आपको आपने आपके रह गए हैं आपने उनको भी रीड कर लेना है वही से रीड कर लेना है या फिर उन्हीं को गाइडेंस से रीड कर लेना बस ठीक है लेकिन इन चैप्टर्स इन को करने के बाद यह बात भी क्लियर होगी आपको कि आप क्या कर सकते हो उन नोट्स को पढ़ते आओ ठीक है और आ, नंबर दो तरीका यह है कि आप मेडिक्लोब के पास से बस क्योंकि मेडिक्लोब क्यों कह रहा हूँ आमना इन आयात ने आंसर ठीक नहीं लिखे हुए मतलब ये उनके आंसर इनसफिशेंट है ठीक है उन्होंने सिर्फ मतलब बकवास तरीन आंसर लिखे हुए हैं मतलब ये कि वो आंसर आप वहाँ से पढ़ नहीं सकते हाँ ये कर सकते क्वेश्चन देख के पढ़ गाइटन से लो दूसरी बात फर्स्ट एड हाफिज बिलाल वाले पास पेपर ज्यादा चलते हैं उनका ये है कि वो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही टोटली गर्टन कॉपी की हुई है तो उसका भी कोई मजा नहीं क्योंकि अगर वो गर्टन कापी करनी हो तो फिर बंदा गाइटन से ना पढ़ लें फिर वहां से क्यों पढ़ लें दरमियान में फिर आ जाते हैं मेडिक के पास उन्होंने हमारे वो सारे सीनियर्स हैं ठीक है वाले तो उन्होंने आंसर इस तरह से लिखे हैं जिस तरह से आपने प्रॉप में आंसर लिखना होता है तो वो सबसे बेस्ट है कि बात समझ भी आ जाती है और बंदा उसका आंसर भी लिख लेता है ठीक है जी तो इसका एक तरीका फिर ये है ठीक है जी कि आप लोग जो है ना आ, लेकिन मैं आ, मैं पहले मना करूंगा कि आप एम बी एस की वीडियो ना सुनना ठीक है जो रिमेनिंग चैप्टर्स है ना उनके लिए अगर आपने कोई वीडियो सुननी हुई रिमेनिंग चैप्टर्स के लिए क्योंकि मैंने सारा तो नहीं पढ़ाना हालांकि मैं चाहता हूँ सारा पढ़ाऊँ लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना है और प्लीज उसके लिए मुझे ना कहिएगा मेरा इरादा ये है कि मैं आपको फिलहाल शौक और पढ़ाऊँ और एनजो टेंशन वगैरह वाला पढ़ा दूँ फिर अगर मेरा बाद में इरादा बनता है तो वो जो दो चैप्टर और बता रहा हूँ कार्ट एक फेलियर वाला और वो भी चलो वो भी देखूंगा ठीक है इनशाला उम्मीद तो है करा ही दूंगा ठीक है क्योंकि ये है कि अब मैंने अपना सारा इतनी मेहनत से किया है तो वो भी फिर करा ही करा ही दूँ ऐसे ना ना हो यहाँ से दो बच्चे उठे वो कहें सर हमने तो आपसे सर्कुलेशन ही पढ़नी थी और वही आपने नहीं पढ़ाई सो यू आर वेरी बैड तो ये भी तो हो सकता है ना कि कोई मुझे दो लेक्चरों की वजह से बुरा बना दे तो मुझे ये तो नहीं ना करना और वैसे भी मैं कौन सा वो उसमें मुझे कोई है कि मैं ना पढ़ाऊँ और भाग जाऊँ और ये वो आराम से सारा पढ़ा के जाऊंगा मतलब जो इम्पोर्टेंट है ठीक है इवन पास से वो क्वेश्चन भी पढ़ा जाऊंगा जो उसके अलावा भी है सिर्फ ये है कि वो सारे चैप्टर पढ़ाना चाहता हूँ लेकिन टाइम उस पर बहुत ज्यादा लग जाना है इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने उसके अलावा को वीडियो सुनने का इरादा आपका हुआ कि हमारे बाकी चैप्टरों की भी हम वीडियो को सुन लें या ये वो तो वो फिर मेरे से पूछ लेना लेकिन एम को ना सुनना मना कर रहा हूँ उसकी एक वजह है ठीक है आ, उसके बाद ठीक हो गया तो ये ये बात है अब सारी अब आपको आइडिया हो गया कि हमने सबसे पहले ये चार चैप्टर ये टॉपिक करने है फिर आपको आइडिया हो गया कि अगर हमने बाकी बाकी टॉपिक करने हैं तो हमने नोट्स पढ़ के और वो मेडिक्लो वाले बात से पर पढ़ लेते हैं ठीक है और अगर हमने को वीडियो सुननी है तो जो सर बता रहे हैं वो वाली वीडियो हमने वो वाली वीडियो हमने सुननी है अब आपको एग्जेन में एक चार्ट बन गया कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना ठीक है और आपको खास कर मना कर दिया कि किसी और सीनियर सीनियर की बात नहीं सुननी और ना ही किसी और ना ही उस तरफ जाना है कि मैं सारे चैप्टर ही पढ़ने लग जाऊं उस तरफ भी अभी नहीं जाना मैं ये नहीं बोल रहा कि ना जाओ मैं बोल रहा हूँ अभी ना जाओ ठीक है सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अब भी ना जाओ हाँ अगर आप इस तरह के बच्चों जो के बड़ा एक कंप्लीट पैकेज के साथ चलता है और वो आठ दस घंटे रोजाना लगा रहा है और उसकी बाकी सब्जेक्ट की तैयारी व्यस्त जा रही है या फिर उसने इतने इतने चैप्टर कर लिए हुए फिर वो वो भी जा सकता है लेकिन आम नॉर्मल बच्चे को समय तो मैं अभी मना करूंगा क्योंकि डायरेक्ट आप सारे पे जाओगे आप उत, फायदा नहीं है अभी फिलहाल एक तरतीब से चलो ठीक है जितना कह रहा हूँ उतना कर लो जब आपको लगेगा कि मुझे ये हो गया फिर बेशक सारे पे चले जाना ठीक है कोई मसला नहीं है मैं बता रहा हूँ टोटल टोटल जो है ना वो ठीक है ना और टोटल आपके तीन चार दिन लगेंगे ज़्यादा जाद से ज़्यादा ये जितना बता रहा हूँ ठीक है कोई इस मतने मसले की बात नहीं है ठीक है मैं तो इवन चाहूँ तो आज भी आप आपने को रिफ्लेक्स भी करा सकता हूँ दो लेक्चर दे के लेकिन मैं बहरहाल तरह करने का फ़ायदा नहीं है ठीक है मतलब रात को मैं को लेक्चर एक दे के तो कर सकता हूँ क्योंकि बच्चों का उन्नीस को टेस्ट भी है लेकिन बहरहाल उसका फ़ायदा नहीं है तो वो उम्मीद है वो मैं कल ही दे दूँ ठीक है तो बाकी ये है कि इस ये इस तरह का है इसमें हर बंदा डिफरेंट बताता है आपको हर बंदा कोई कहेगा सत्रह कर लो उन्नीस कर लो बीस कर लो गाइटम से कोई कहेगा इक्कीस कर लो बाईस कर लो तेईस कर लो कोई कुछ कहेगा कुछ कहेगा कुछ कहेगा ठीक है लेकिन मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना वो सब कुछ देखने के बाद बोल रहा हूँ हालांकि मैंने ही आपको पहले कहा था ना कि आप ये फिलहाल ये नोट्स हैं तो ये सारे कर लो लेकिन नहीं अभी बोल रहा हूँ कि चार चैप्टर करके ठीक है उसमें भी अठारह और चौबीस पहले करके फिर उधर जाना फिर बेशक जो रिमेनिंग चैप्टर उन उनके लिए वो नोट्स पढ़ लेना या फिर मेडिकल के पास पढ़ लेना लेकिन वो भी एक वीडियो दूंगा वहां से सुनने के बाद बेशक पढ़ लेना तो कम्पलीट लेवल हो जाएगा आप लोगों का ठीक है सही हो गया चलो ठीक है मेरी बहन बता दूंगा ना फिक्र करें कौन सी वीडियो सुनने पहले चार चैप्टर तो कर लो या पहले वीडियो देखने चले जी अब जरा मेरा लेक्चर शुरू हो रहा है कितने में शुरू हो रहा है सात छियालीस पे रेडी है जी सब लोग आज मैं आपको जब सारा टॉपिक पढ़ा दूंगा ना तो पहली बात तो यह है कि आपको याद तो ज़रूर होगा फिर लेकिन मैं दूसरी बात आप लोगों से पूछूंगा कि नई बातें कितनी थी टोटल पाँच से दस बातें होंगी जो न्यू होंगी बाकी सब कुछ आप लोगों को अभी अभी पता है सब कुछ पता है सब कुछ आता है ठीक है तो बिल्कुल इजी टॉपिक है बिल्कुल इजी टॉपिक ठीक हो गया सो अभी सात सा तीन छला आपको याद हो जाएगा अच्छा जी सबसे पहले तो पता हो शौक होता क्या है तो बस इतना आपको पता नहीं एडुकेट ब्लड नाउ सेकेटेड जो है ना वो डैमेज होने लग जाते हैं बिकॉज़ ऑक्सीजन को इन एडुकेट ब्लड फ्लो का मत, मतलब ये नहीं है कि ब्लड कम जा रहा है बस इतना कि इतना नहीं जा रहा कि सेल और टिश्यू जो है ना वो उसकी भूख पूरी हो जाए उसको ऑक्सीजन और इतने मिल जाएं कि वो खुश हो जाए इतना नहीं जा रहा ठीक है अच्छा जी फिर ये है कि कुछ शौक होते हैं जिनमें जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ना उस तरह से सुनना है और दरम्यान में अपना कोई लूशन नहीं डालनी है दरम्यान में ये नहीं सोचना कि मैं कोई चीज छोड़ रहा हूँ या नहीं छोड़ रहा मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाना है लेकिन मेरी एक अपनी तरतीब है बस सुनते जाए आप कुछ शौक इस तरह के होते हैं कार्डिक आउटपुट उनमें कम हो जाते हैं मोस्टली यही है जिनमें आउटपुट कम हो गई ऑब्वियसली आउटपुट कम हुई है तो ब्लडिंग कम हुई हो होती लेकिन फिर भी टिश्यूज की भूख नहीं पूरी हो रही होती ठीक है मतलब आप बात होकर खाना पूरा खा रहे हो लेकिन मतलब जितना आप खाते हो जितना आपको मिलना लेकिन बार भूख नहीं पूरी हो रही ठीक है तो इसी तरह से कार्डिक आउटपुट मामला नहीं है कि कार्डिक आउटपुट कम है तो इसका मतलब ये है कि शॉक हो जाए नहीं हो सकता कार्डिक आउटपुट ठीक हो लेकिन अभी भी बंदा अभी भी वो सिस्टम शॉक में है ठीक है अभी भी सर्कुलेटरी शॉक है अच्छा फिर यह कि हो सकता है आपका आर्टीरियल प्रेशर कम हो गया और शॉक हो।, हो, हो सकता है आर्टिकल प्रेशर ना कम हो फिर भी शॉक हो सकता है मतलब आर्टीरियल प्रेशर भी इस चीज़ का नहीं बता सकता कि शॉक है इस बंदे को ठीक है शौक का क्या मतलब है ये तो समझ लो ना कि टिश्यूज की भूख पूरी नहीं हो रही उनके न्यूट्रंस और ऑक्सीजन उनको पूरा नहीं मिल रहा अभी एक फ्लो बना रहा हूँ सुनते जाओ बस एट द एंड हर शॉक के एंड पे क्या टिश्यूज को ऑक्सीजन और न्यूट्रंस नहीं मिल रहे तो एंड रिजल्ट तो सबका यही होना है ना क्या होना है कि उनकी इनकी टिश्यू डिटेरिएशन हो जानी है क्योंकि हम शौक क्या ये रहे हैं कि ऑक्सीजन और न्यूट्रस टिश्यूज को पूरे नहीं मिल रहे ठीक है चलते जाओ स्टेजेस ऑफ शॉक में क्या आता है याद रखें शॉक एक स्टेजेस में होता है पहला होता है, प्रोग्रेसिव। मतलब ये जो है ना बॉडी के वो आके इसको बचा लेंगे बंदे को दूसरा प्रोग्रेसिव नहीं इतनी स्टेज आगे चली गई है क्या वो अब आपको थेरेपी देनी पड़ेगी थेरेपी ना दी तो इस

तो ये तीन स्टेजेस हैं। एक शॉक होता है जो हाइपो वॉल्यूमिक यानी कि हेमरेज हो गया है बॉडी हो गई और सारा प्लाज्मा बाहर निकली जा रहा है सारा ब्लड बाहर निकल रहा है से, ठीक है और जनाबे वाला आपका हाइपो वॉल्यूम ऑब्वियसली जब वे है, तो वो ब्लड बाहर निकल जाता है ठीक है ठीक है तो हाइपो वॉल्यूम यानी कि अवराल जो ब्लड वॉल्यूम था वो ही कम हो गया जब ब्लड का वॉल्यूम ही नीचे आ गया तो फिर शॉक तो होने ठीक है, है ना फिर वो कैसे वो सारा कुछ पहुंचने टिश्यूज तक जब जब क्या हो जब हाइपो वॉल्यूम हो गया ठीक है अच्छा जी इतनी बात पता चल गई आप लोगों को फिर एक होता है सिंपथेटिक रिफ्लेक्स ठीक है ना ये मैं आप लोगों लो लो को पढ़ा चुका हूँ क्या कहाँ पे पढ़ाया था मैंने आप लोगों को ये मैंने आप लोगों को चैप्टर वन के अंदर बात बताई थी कि और फिर उसके बाद मैंने चैप्टर थर्टीन में भी आके बताई उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि जब आर्टीरियल प्रेशर जब कम होता है ना ठीक <सक2> है जब आर्टीरियल प्रेशर कम होता है या फिर जब आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा होता है तब रिसेप्टर्स होते हैं ठीक है रिसेप्टर जो हैं वो क्या करते हैं वो सेंस करते हैं फिर वो वेजो मोटर सेंटर होता है मेडुला के अंदर ब्रेन में जिसने सिंपथेटिक रिफ्लेक्स भेजने होते हैं ठीक है तक ऐसे नोट तक आते हैं और आके हार्ट रेट बढ़ाते हैं ठीक है और उसका नाम क्या सेंटर से सिंपथेटिक रिफ्लेक्स और कहाँ पे जा रहे होते हैं और सिंपथेटिक नर्व जा रही होती है आपके आपके वेजेस तक और आपकी वेजल को कर रही होती हैं ठीक है और इस तरह से जनाबे वाला आपका जो ब्लड प्रेशर कम हुआ था या फिर वेजो मतलब अगर तो अगर तो आपकी उसका क्या नाम है आपका ब्लड प्रेशर बड़ा हुआ है तो क्या होगा तब वो जो सिंपथेटिक रिफ्लेक्स जो जा रहे हैं वो कम जाएंगे सिंपथेटिक जो नर्व जा रही हैं ठीक है कम जाएंगी तो ऐसे नोड को सिंपथेटिक सप्लाई कम मिलेगी जिससे ये होगा कि हार्ट रेट कम हो जाएगा ठीक है और आपकी सिंपथेटिक uh, सप्लाई जो वेजस के पास जा रही है वो कम जाएगी जिससे ये होगा कि वो डायलेट हो जाएंगी बात समझ आ गई कि अगर तो ब्लड प्रेशर बड़ा है तो सिंपथेटिक सप्लाई ज्यादा जाएगी और हार्ट रेट बढ़ा देगी ऐसे नोट के थ्रू और आपको आपकी वेज और कंस्ट्रक्शन करा देगी और इस तरह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और अगर ब्लड प्रेशर कम हुआ है प्रेशर कम हुआ है तो सिम्प्लाई कम जाएगी मतलब की है ठीक है सिमटेटिक सप्लाई ज्यादा हो तो हार्ट रेट ज्यादा होता है ऐसे नोट के थ्रू और नंबर दो क्या होता है आपकी जो है वेजो क्या होगा हार्ट रेट से ज्यादा हो रहा है उधर से क्या होगा उधर से आपकी वेजो कंस्ट्रक्शन होगी और इन दोनों की वजह से इधर से कार्डे आउटपुट भी बढ़ रहा है हार्ट रेट बढ़ने से और उधर से वेजो कंस्ट्रक्शन से भी क्या हो रहा है बढ़ रही है जिससे क्या हो रहा है प्रेशर बढ़ रहा है तो बात समझ आ गई कि आपके अंदर इस तरह से एक रिफ्लेक्स मैकानिजम्स है ने, इस तरह से क्या है रिफ्लेक्स मैकानिज है अगर आर्टेरियल प्रेशर कम हो तो इसको इस तो हार्ट सिंपैथेटिक सप्लाई के जरिए हार्ट रेट बढ़ा के और वह कंस्ट्रक्शन करा के बढ़ा लिया जाता है और अगर आपकी आर्टेरियल प्रेशर कम हो तो उसको कम कर लिया जाता है किस तरह से हार्ट रेट को कम करके और वह डायलेशन करा के सिम्थैटिक सप्लाई को कम करके ठीक है जी तो ये बातें हो गई है इतनी मदद चल गई फिर ये है कि सिंथेटिक सप्लाई का दो इफेक्ट है अभी मैंने आप लोगों को बताया एक ये है एक ये है कि हार्ट रेट को बढ़ाता है अभी बताया ना मैंने आप लोगों को कि हार्ट रेट को बढ़ाता है ठीक है कैसे ऐसे नोड पर जा करके। ने आपकी हार्ट रेट को उसने संभालना होता है तो उसको तेज करके और दूसरा इफेक्ट मैंने आपको क्या बताया कि इसने क्या करना होता है वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन करके तो आपकी आपके अटीरियल प्रेशर को सेट करना होता है तो वो ये कहता है कि सिंपथेटिक सप्लाई इसका मतलब है, भी भी हार है और कार्डिक आउटपुट पर भी, भी, भी. ब्लड है, है? को तंग जगह से गुजरना होता है तो अब उसको ज्यादा जोर लगा के जाना पड़ता है तो आर्टीरियल प्रेशर बढ़ता है ठीक है अब ये बातें बड़ी सिंपल है और समय नहीं है क्लियर हो रही है कि सिंपथेटिक सप्लाई से वैज ऑफ कंस्ट्रक्शन से आर्टीरियल प्रेशर बढ़ रहा है ठीक है चलो इतनी बातें अब क्लियर हो गई

ठीक है ना और इस तरह से अर्टीरियल प्रेशर बढ़ा लेता है क्योंकि शॉक चल रहा है ना वॉल्यूम कम है तो उसने क्या कर लिया उसने जनाब वाला करके उसने प्रेशर बढ़ा लिया ठीक है है लेकिन कि कि और यानी दिल और दिमाग इन दोनों की इन दोनों की वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं की जाती ऑब्वियस बात है इन दोनों की तो वेज डायलेशन रहनी चाहिए क्योंकि हार्ट नहीं तो आगे मजीद पंप करना है अगर आपका शॉक चल रहा है और आपके न्यूट्रं

ये की इजाजत दिल और दिमाग में नहीं है दिल और दिमाग में सिंपथेटिक तो रेगुलेशन मतलब ये कि अगर वहाँ पर, वहाँ पर अगर कम है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो खुद ब खुद ऑटो रेगुलेट करके अपनी वैजो वैजो कर लेता है उसको जरूरत नहीं है सिंपथैटिक सप्लाई की सिंपेटिक सप्लाई आकर उसको बताए कि यार कि तुमने ये करना है या ये करना है ठीक है उधर मेन जो चीज होती है वो ऑटो रेगुलेशन होती है। चलो जी अब आप लोगों को ना एक हद तक बातें समझ आ गई हैं। अब मैं वापस आ जाऊं? चलो अब जो कार, कार्डिक शॉक हो रहा है डीक्रीज कार्डिक आउटपुट के साथ ठीक है वो कौन कौन से हैं? एक तो ये हार्ट जो है ना आपका हार्ट का पंप भी कर। तो आप जब आपका जब आपका हार्ट पंप ही नहीं कर रहा वो कोई भी हो सकती है ठीक है ना तो इसको कहते हैं कार्डियोजेनिक सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंट यही है कि आपका आपको पता है ना है मतलब साइनस नोट सही से वो आपकी वो ही नहीं है सही काम ही नहीं कर रहा साइनस नोट तो आपका ठीक है ना तो तो इन द एंड क्या है कि आपका हार्ट जब सही से पंप ही ना करे तो वो कार्डियोजेनिक शॉक है क्लियर हो रहा है बातें बिल्कुल आसान है क्या ख्याल है कि तब कार्डिक का आउटपुट ऑब्वियसली कम ही होगी ना जब वो हार्ट पंप ही नहीं कर रहा तो कार्डिक का आउटपुट तो कम होगी जब कार्डिक का आउटपुट ही कम है ब्लड पंप ही नहीं कर रहा तो टिश्यूज वगैरह को क्या ऑक्सीजन ब्लड ही नहीं मिल रहा यार उनको तो उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रंस नहीं मिल रहे तो शॉक है बस नाम क्या रख दिया कार्डियोजेनिक शॉक

आपकी वेजल्स की ना एक टोन है ये जो अभी मैं बता रहा था आप लोगों को वेजो मोटर सेंटर क्या करता है अभी जो मैं बता रहा था कि आपको के बैरो रिसेप्टर जो होते हैं वो सिग्नल भेजते हैं वेजो मोटर सेंटर को जो मेडुला में मौजूद होता है और वो आगे से क्या करता है सिंपथेटिक सप्लाई भेजता है को वैजर को, वैजर को वैजर 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 या या डायलेट कर लेता है कैसे करता है सिंपथेटिक सप्लाई बढ़ा के ठीक है और वेजो डायलेट कैसे करता है सिंपथेटिक सप्लाई कम करके ठीक है तो ये वेजो मोटर सेंटर है वो ये काम कर रहा होता है और वो कर बेसिकली क्या रहा होता है बताओ वो बेसिकली आपके वेजल्स की वेजो को यानी कि वेजो टोन वेजल्स की टोन है ना टोन है ना कि उनकी एक एक उन्होंने एक टोन अपनी रखनी है खास अगर वो टोन कम हो जाएगी तो ब्लड सारा आपकी वेजल्स के अंदर ही रह जाएगा ठीक है अगर वो टोन ज्यादा हो जाएगी तो वो कंस्ट्रक्ट कर जाएगा ठीक है बात समझ आ रही है कि एक टोन है खास अगर वो टोन कम हो गई तो

सर टोन क्यों खत्म होने लगी ये कौन सा मजाक है उसकी सिंपथेटिक सप्लाई कम होने शुरू हो गई ठीक है? तो मतलब है, है।, है।, है जो उसकी टोन नहीं, नहीं मेंटेन कर रहा यार तो होनी शुरू हो गई है इसी को कहते हैं हम न्यूरोजेनिक शॉक इसी को क्या कहते हैं ये मैंने बातें अगेन अगेन बताने को तो मैं बता ही दूं

उसने को वेलिक सप्लाई भेजनी थी कि यार तुम तुम लोग अपनी टोन मेंटेन रखो इस तरह से ये रहो वो रहो उसने बताना था वो खुद ही खराब हो गया तो न्यूरोजेनिक शॉक अब ये कब कब हो सकता है आपका ब्रेन ही डैमेज है, है तो गाली खत्म हो गई यार ब्रेन ही खराब है ठीक है तो उसने क्या करना है ऑब्वियसली मेडुला भी तो ब्रेन का ही वो खराब है

ठीक है ना वो जो फ्लैक्स है उससे पहले जो स्पाइनल नर्व की फॉर्मेशन बताता है ठीक है तो वहां पे वो दिखाता नहीं है कि तो समझ लो कि आपका जो सिंपथेटिक सप्लाई जा रही होती है वो स्पाइनल से जा रही होती है ठीक है स्पाइनल सिंपथेटिक सप्लाई जा रही है ऊपर से वो कहा से आ रही है ऊपर से वेजो मोटर सेंटर से

डैम बनाना शुरू कर दिया जिसका पाइप जो थे आपके पाप के पाइपों ने जिन्होंने पानी आगे गुजारना था वो ही टैंकी बन गए हालांकि टैंकी काम का है ब्लड को पा, अपने अंदर भरना और पाइप का काम है वहां से गुजारना ठीक है तो पाइप ही माशाल्लाह से अपने आप को फुला लेता है इतना फूल लेता है कि पानी आगे क्या जाना है सारा पानी तो इन्हीं के अंदर ही भर गया इसी की वजह कैपेसिटी बढ़ गई है तो अब याद रखना न्यूरोजेनिक शॉक में सेंटर खराब ब्रेन चलो जी मैं तो एक से ऐसे याद कराता होता हूं। कैसे ठीक है, है तो मसला है या फिर ठीक है जिससे सिमथेटिक सप्लाई नहीं जा रही अच्छा जी वेजो मोटर सेंटर खराब ब्रेन खराब स्पाइनल खराब ठीक है जी अच्छा जी सिमथेटिक सप्लाई खराब अच्छा वैजल कि टोन ही खराब अच्छा जी वेन के अंदर ही ब्लड पुलिंग कर रहा है अच्छा जी वैसको कैपेसिटी बढ़ गई जी। अच्छा जी। तो है भूले जिस तरह से बताया इस तरह से याद रखना ये देख रहे हो वे टोन अब बस इन एंड प्लीज ये कर लो कि प्लीज ये समझ लो कि बस इसके अंदर में ही भर जाना है ठीक है चलो अब अब क्लियर हो गया विनस रिटर्न कम हो गया ठीक है अच्छा जी चलो एक काम करते जाते हैं यहाँ से भी बताता जा। एक है वाली सारा का आप लोगों को पता है ठीक है ना अच्छा क्या होता है एनाफेक्टिक में एनाफ बता। रिलीज होता है और हिस्टामिन आगे से क्या करता है? वेजो कराता है एक तो काम यही वाला करता है ना कि आपका आपका क्या करता है आपकी बिजनेस डायलेशन कैपेसिटी बढ़ा देता है मतलब हिस्टामिन क्या है है ना वेजोड है तो एक तो डायलेट कर देना है फिर ये एक और काम भी करता है सारा ब्लड तो बाहर निकली जा रहा है वो देखो बाहर निकली जा रहा है यार ये क्या मतलब आपको नहीं पता है इन बातों का किसको नहीं पता प्लीज मुझे बताओ यहाँ पे ले क्या हो कोई बच्चा जो मुझे बताया जिसको इन्फ्लेमेशन नहीं पता जिसको नहीं पता एलर्जी के अंदर हिस्टामिन क्या करती है जिसको अभी तक नहीं पता चल सका कि क्यों होती है इस इन्फ्लेमेशन के अंदर तो ये सब बातें आपको पता है तो बाहर मैं अब ये रहा हूं कि जब बढ़ गई कम नहीं होगा ब्लड का वॉल्यूम होगा काम नहीं होगा तो होगा जिसको ये बातें नहीं पता ठीक है बाहर निकल रहा है यार तो ब्लड कपिलरी का का तो 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 से बाहर निकल रहा है तो प्लाज्मा का वॉल्यूम नहीं कम हो रहा तो नहीं हो रहा

डायलेशन कराई तो उससे इसने क्या किया मैंने अभी जो बताया आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले कि सिंपथेटिक सप्लाई क्या करती है अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था कि सिंपथेटिक सप्लाई जब बढ़ती है तो वो क्या करती है बताओ 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 अभी जो मैंने बताया था कि सिम्पथैटिक सप्लाई जब बढ़ती है तो वो जाके वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन करा के तो आपका आर्टिकल प्रेशर बढ़ाती है सिंपथेटिक सप्लाई वो वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन करा के रेजिस्टेंस बढ़ाती है जिससे आपका आर्टिकल प्रेशर बढ़ता है यहाँ पे हिस्टामिन क्या कर रहा है

अच्छा ये तो काम है एनाफाइलैक्सिस एनाफाइलेक्सिस के अंदर आप ये देखो जिसमें कार्डिक का आउटपुट और अटीरियल प्रेशर कम हो जाता है किस तो बताओ हिस्ट्रामिन की वजह से ठीक है अगर आप डायरेक्टली भी हिस्ट्रामिन अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करोगे ना इं, इंट्राविनली तो उसको हम हिस्ट्रामिन शॉक कहेंगे क्योंकि एनाफाइलेक्टिक शॉक और मतलब गई कि एनाफाइलेक्सिस के अंदर